नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह का आज शहीदी दिवस है। गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर सिंह के पिता का नाम गुरु हरगोविंद सिंह था। उनके बचपन का नाम त्यागमल था। गुरु तेग बहादुर बचपन से ही संत, विचारवान, उदार, प्रकृति और निर्भीक स्वभाव के थे। वो 24 नवंबर 1675 को शहीद हुए थे। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक वो 11 नवंबर को शहीद हुए थे। आइए जानते हैं देश की आजादी के लिए उनके बलिदान के बारे में। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के सामने झुके नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि उनका सिर कलम करवा दिया गया। औरंगजेब ने उन्हें जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से भरी सभा में साफ मना कर दिया। गुरु तेग बहादुर के बलिदान के चलते उन्हें हिंद दी चादर के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा वही जगह है जहां औरंगजेब ने लाल किले के प्राचीर पर बैठे उनका सिर कलम करवाया था। गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब से जंग तब हुई जब वो कश्मीरी पंडितों को जबरन मुसलमान बनाने पर तुला हुआ था। कश्मीरी पंडित इसका विरोध कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने गुरु तेग बहादुर की मदद ली। इसके बाद गुरु तेग बहादुर ने उनकी हिफाजत का जिम्मा अपने सिर ले लिया। उनके इस कदम से औरंगजेब गुस्से से भर गया। वहीं गुरु तेग बहादुर अपने 3 शिष्यों के साथ मिलकर आनंदपुर से दिल्ली के लिए चल पड़े। इतिहासकारों का मानना है कि मुगल बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर 3-4 महीने तक कैद करके रखा और पिंजड़े में बंद करके उन्हें सल्तनत की राजधानी दिल्ली लाया गया। औरंगजेब की सभा में गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों को पेश किया गया, जहां उनके ही सामने उनके शिष्यों के सिर कलम कर दिए गए। लेकिन उनकी आंखों में डर का तिनका तक नहीं था। वहीं उनके भाई मतीदास के शरीर के 2 टुकड़े कर डाले। भाई दयाल सिंह और तीसरे भाई सतीदास को भी दर्दनाक अंत दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया। बता दें कि अपनी शहादत से पहले ही गुरु तेग बहादुर ने 8 जुलाई 1675 को गुरु गोविंद सिंह को सिखों का 10वां गुरु घोषित कर दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।